हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टॉलीवुड अपडेट्स। तो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ससुराल सिमर का सीजन 2 के कुछ अपडेट के बारे में। तो गाइज, ससुराल सिमर का सीजन 2 जब लॉन्च हुआ था कुछ खास टीआरपी नहीं लेके आया था स्टार्टिंग में, लेकिन अब धीरे धीरे इसकी टीआरपी काफ़ी अच्छी से इंप्रूव हो रही है, लोगों का इंटरेस्ट इसमें बनता जा रहा है और इसी पे कुछ नए ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग अपकमिंग एपिसोड्स में, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो गाइज, ये अपडेट है स्पेशली रीमा के लिए, रीमा का जो करेक्टर है उसके रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको देखने को मिलने वाले हैं अपकमिंग एपिसोड्स में। बाकी फिलहाल के ट्रैक में यही चल रहा था कि सिमर अपने के लिए और अपने आरव के लिए ये स्टेप उठाती है कि रीमा को कहती है कि सारी प्रॉब्लम्स तेरे कारण ही आई हैं और तू दूसरों पे तो इल्ज़ाम मत ही लगा। तो इस तरह ऑल्सो जो नारायण फैमिली है वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में है रीमा पर, वो रीमा पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। बाकी रीमा को खुद के घर से उसके फादर ने ड्रैग करके बाहर निकाला। रीमा अपने ब्यूटी पेंजेंट में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाती है। ऑल्सो जो उसका ड्रीम था कि ओसवाल फैमिली में शादी करने का, तो वो भी उसका फुलफ़िल नहीं हो पाता। जो इसका उसका इतना बड़ा ड्रीम था कि वो ओसवाल फैमिली में शादी करे, वो भी उसकी फुलफ़िल नहीं हो पाई। तो इसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा डिवास्टेटेड और दुखी और डिसअपॉइंटेड हो जाएगी अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि इसके सारे ड्रीम्स शैटर हो चुके हैं, यानी कि उसके जो भी सपने हैं वो सारे टूट चुके हैं। तो इसके कारण रीमा एक काफ़ी बड़ा स्टेप उठाएगी, ड्रास्टिक स्टेप उठाएगी अपकमिंग एपिसोड्स में, जो कि है सुसाइड। तो गाइज़, रीमा का जो करेक्टर है वो सुसाइड करने का अटैम्प्ट करेगा, सुसाइड करने की कोशिश करेगी अपकमिंग एपिसोड्स में, जिसका शूट ऑलरेडी हो चुका है। तो अपकमिंग एपिसोड्स में हमें ये देखने को मिलेगा कि रीमा अपनी नस काटने की कोशिश करती है और एक बाथटब में अनकॉन्शियस होकर, यानी कि बेहोश होकर पड़ी होती है। तो ये आपको अपकमिंग एपिसोड्स में देखने को मिलेगा। ऑल्सो ये ऑलरेडी इसको शूट करा जा चुका है और आपको अपकमिंग एपिसोड्स में जल्दी देखने को मिलेगा। बाकी रीमा की इससे डेथ होती है या फिर नहीं, वो तो बाद में ही हमें पता चलेगा, लेकिन एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न मुझे इतना पता है कि इसकी डेथ नहीं होगी। लेकिन ये शो में आपको दिखाया जाएगा कि उसने अपनी नस काटने की कोशिश करी, लेकिन वो स्टिल बच जाएगी। तो क्या वो सच में नस काटने का अटैम्प्ट करेगी, सच में सुसाइड करने का अटैम्प्ट करेगी, या फिर ये कोई नाटक होगा, तो वो तो हमें शो देखने पर ही पता चलेगा। लेकिन इसका शूट जो है वो हो चुका है और एग्जैक्टली ऐसा बाथटब में लेट के अनकॉन्शियस होकर नस काटने वाला सीन आपको देखने को मिलेगा अपकमिंग एपिसोड्स में। सुसाइड का अटैम्प्ट करेगी। बाकी सच में रीमा की डेथ हो जाएगी या फिर नहीं, वो तो फिलहाल के लिए हम कुछ भी नहीं कह सकते। ऑल्सो रिसेंटली तन्या शर्मा, जो कि रीमा का रोल प्ले करती हैं, उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पर ये फोटो भी डाली थी जो कि बिहाइंड द सीन्स शूट से थी, जिसको आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। तो ये सीन उसी से है, ये जो फोटो है उसी सीन से है जब इसका शूट करा गया था, ये जो सुसाइड का अटैम्प्ट है, तो इसका शूट जब करा गया था उसी से ये फोटो है, बिहाइंड द सीन्स फोटो। इसे देखकर इनिशियली जो फैंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान भी हो गए थे, काफ़ी शॉक भी हो गए थे ये क्या है, बिकॉज बिना किसी एक्सप्लेनेशन के उन्होंने पोस्ट करी थी। लेकिन जब फैंस काफ़ी ज़्यादा हैरान होने लग गए और परेशान होने लगे, तो उसे देखकर उन्होंने एक अलग पोस्ट की थी कि ये कोई भी तरह की मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, ये सिर्फ बिहाइंड द सीन्स शॉट है जो कि हमारे शूट में से था। तो इसकी शूटिंग चल रही थी, जो कि आपको अपकमिंग एपिसोड्स में ये सीन कैसे प्ले आउट होता है वो मैंने आपको बता ही दिया अभी पिछले वीडियो इसी वीडियो में अभी पीछे मैंने आपको बता ही दिया है। तो गाइस, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको देखने को मिलने वाले हैं ससुराल सिमर का सीजन 2 के अपकमिंग एपिसोड्स में, रीमा के रिलेटेड और रीमा की सुसाइड के रिलेटेड। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ससुराल सिमर का फैंस के साथ, कमेंट्स में बताइए आप एक्साइटेड हैं फिर नहीं इन एपिसोड्स को देखने के लिए। और ससुराल सिमर का और कलर्स टीवी की सारे लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए और फिर ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए, सारी न्यूज़ सारी लेटेस्ट टेलीविज़न न्यूज़ आप तक पहुँचती रहे, कुछ भी मिस ना करें, कलर्स टीवी के सारे डिटेल्स आप तक पहुंचती रहें। तो फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए चलता हूं, गुड बाय।